नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वायरल हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुर्योधन की पत्नी का दिल आया था कर्ण पर और पति के मरने पर अर्जुन से किया विवाह। जानिए महाभारत की अब तक की अनसुनी रहस्यमयी कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में हम सब द्रौपदी, कुंती, माद्री, गांधारी जैसी महिला पात्रों के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन आज जिस किरदार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। उस किरदार से मिलने से पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। सवाल ये है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनपा जोड़ा। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, क्या आप बता सकते हैं इस कहावत में किस भानुमति की बात की जा रही है? दोस्तों, भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति का रूप ऐसा था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाए। राजा चंद्रवर्मा ने भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में दुर्योधन, कर्ण, जरासंध, शिशुपाल जैसे पराक्रमी राजा और वीर भानुमति से विवाह की मंशा लेकर आए थे। भानुमति का दिल जीता किसी और ने और भानुमति से विवाह हुआ किसी और का, जानिए क्या था इसके पीछे का राज। दोस्तों, जब स्वयंवर स्थल पर भानुमति पूरे श्रृंगार के साथ आई तो वहां उपस्थित सभी राजाओं के मुंह खुले के खुले रह गए। ऐसा अप्रीतम सौंदर्य ना किसी ने देखा था न किसी ने सोचा था। जब दुर्योधन की नजर भानुमति पर पड़ी तो दुर्योधन का मन मचल उठा और उसने ठान लिया कि भानुमति से विवाह होके रहेगा। भानुमति वरमाला लेकर चली। दुर्योधन को लगा कि भानुमति उसके गले में वरमाला डालेगी, लेकिन वो दुर्योधन को देखकर आगे बढ़ने लगी। ये देखकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और भानुमति को पकड़कर जबरन उससे माला अपने गले में डलवा ली। बहुत से राजाओं ने इसका विरोध किया तो दुर्योधन ने उन्हें युद्ध की चुनौती दे डाली, लेकिन युद्ध के लिए दुर्योधन ने ऐसी चुनौती दी कि जिसे सुनकर जयद्रथ को छोड़ सभी सूरवीर पीछे हट गए। जानिए क्या थी वो चुनौती। दुर्योधन ने सभी योद्धाओं को कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दी। इस बात को सुनकर बहुत से राजा पीछे हट गए। कुछ ने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उन्हें कर्ण ने पलक झपकते ही हरा दिया। उसी समय जयद्रथ ने कर्ण को युद्ध करने की चुनौती दी। कर्ण और जयद्रथ के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों एक से बढ़कर एक योद्धा थे। करीब 21 दिन चले इस युद्ध के अंत में कर्ण ने जयद्रथ को हरा दिया। जयद्रथ के जीवन की ये पहली हार थी। इस युद्ध के बाद कर्ण का रण कौशल देखकर जयद्रथ कर्ण का मित्र बन गया और अपने राजा का एक भाग कर्ण को उपहार में दे दिया। भानुमति के अपहरण को दुर्योधन ने भीष्म का उदाहरण देकर सही ठहराया। इस प्रकार भानुमति और दुर्योधन का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि नियति अपना रंग दिखा ही देती है। जिस प्रकार दुर्योधन ने भानुमति को भगाकर शादी की थी, उसी प्रकार दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ भी कृष्ण के पुत्र सांब ने भागकर शादी की थी। दुर्योधन को खलनायक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन दुर्योधन की सबसे बड़ी कहियत ये थी कि वो जिस पर भरोसा करता था उससे कभी नाराज नहीं होता था और उसे कभी गलत नहीं समझता था। एक बार कर्ण और भानुमति शतरंज खेल रहे थे। दुर्योधन के आने की खबर सुन भानुमति जाने लगी। कर्ण ने उसको रोकने के लिए अपनी ओर खींचा तो भानुमति का आंचल फट गया और मोती बिखर गए। उसी समय दुर्योधन ने कक्ष में प्रवेश किया। दुर्योधन को देख दोनों लज्जित होकर सर झुकाकर खड़े हो गए, लेकिन दुर्योधन ने अपनी पत्नी और अपने प्रिय पर जरा भी संदेह नहीं किया। दोस्तों, ये घटना बताती है कि दुर्योधन कर्ण और अपनी पत्नी पर कितना भरोसा करता था। कथाओं में ये भी कहा जाता है कि भानुमति न सिर्फ बहुत रूपवान थी अपितु शारीरिक रूप से भी बलिष्ठ थी। कभी कभी खेल खेल में वो दुर्योधन के साथ दव दव करती थी और उसे हरा भी देती थी। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने भानुमति के पुत्र लक्ष्मण का वध किया था, वहीं दुर्योधन को भी भीम ने मारा था। इन सब के बाद भी दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया। दुर्योधन
अर्जुन और कर्ण के साथ ऐसे अनोखे संबंध होने की वजह से भी ये कहावत प्रचलन में आई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों, इसी प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद।